नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट टॉक स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है। फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाती है 4,499 रुपये में। और इसकी खासियत है ब्लूटूथ कॉलिंग, आप अपने वॉच से ही कॉल्स को रिसीव कर सकते हो, कॉल लगा भी सकते हो। और इसके अलावा इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर और माइक दिया गया है और आप जो म्यूजिक है उसे भी प्ले कर सकते हो इसी स्मार्ट वॉच पे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आपको बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है और इसके अलावा आपको किस तरह से अपने फोन से इसे कनेक्ट करना है, सेटअप करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं, सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहले आपको मैनुअल मिल जाता है, स्मार्ट गाइड, ये है वॉच, और फिर यहाँ पे नीचे में है ये मैग्नेटिक चार्जर, इससे आप चार्ज कर सकते हो और ये मैग्नेटिक है इसलिए आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये कनेक्ट हो जाता है मैग्नेटिक चार्जर। और फिर यहाँ पे कुछ ये कूपन्स है, ये वारंटी रजिस्टर करने के लिए QR कोड दिया गया है, 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है इस वॉच के साथ। ये है Z5 प्रीमियम मेंबरशिप, 1 महीने का प्रीमियम मेंबरशिप आपको मिलता है अगर आप QR कोड को स्कैन करते हो, रिडीम करना पड़ता है आपको Z5 में। और फिर ये है बोल्ट प्ले, तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप मिलती है बोल्ट प्ले जिसमें आप यहाँ पे मूवीज देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो और गेम भी खेल सकते हो फ्री में। और ये है गाना ऐप का कूपन जिसमें आप 3 मंथ्स का गाना सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन रिडीम कर सकते हो, QR कोड को स्कैन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वाउचर मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं आपको किस तरह से जो वॉच है उसे कनेक्ट करना है अपने स्मार्ट वॉच से। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, काफी मजबूत है ये वॉच और आपको थोड़ी हैवी फील होगी क्योंकि ये मेटालिक है और काफी अच्छी है बिल्ड क्वालिटी इसकी। स्ट्रैप भी काफी बेहतर है और यहाँ पे आपको एक पिल जो है हटाना पड़ता है, इसे रिमूव करना पड़ता है। दोस्तों इसमें यहाँ पे आपको प्री अप्लाइड फ्रंट गार्ड मिल जाता है, आपको ऊपर वाला जो है उसे रिमूव करना पड़ता है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, हालांकि मैं अभी यहाँ पे यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं इसे भी निकाल दूंगा। दोस्तों अगर आपकी वॉच स्विच ऑफ होगी तो आपको इसे ऑन करना है, तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है इस बटन पे और आपकी वॉच यहाँ पे स्विच ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको मैग्नेटिक चार्जर के लिए स्लॉट मिलता है, फिर यहाँ पे सेंसर्स है और यहाँ पे आपको माइक है और यहाँ पे स्पीकर आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से जो आउटपुट होगा साउंड का वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका फर्स्ट वॉच फेस। आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, ब्राइटनेस 5 स्केल में यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप ऊपर में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होता है ये होता है थिएटर मोड, अगर आप इसे ऑन करते हो तो जो ब्राइटनेस होती है कम हो जाती है और वाइब्रेशन यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर ऑन कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस कम हो चुकी है और वाइब्रेशन भी बंद हो चुका है। तो इस तरीके से ये थिएटर मोड होता है। और फिर यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो आप लेवल 1, 2, 5 तक, आप यहाँ पे देख सकते हो 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, फिर यहाँ पे वेदर इन्फो और यहाँ पे सेटिंग्स, स्टॉप वॉच है, अलार्म, काउंट डाउन, ब्राइटनेस, फोन ऑफ, कॉल इस सेट करने का ऑप्शन, शेक मतलब वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, थिएटर रिसेट कर सकते हो आप इसे, पावर ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हो और आप ऐप QR कोड भी यहाँ पे देख सकते हो कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ पे डेट और यहाँ पे जो बैटरी परसेंट लेवल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है दा फिट, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको इसे ओपन करना है। सबसे पहले जब आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे अपने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अपनी वो यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है, जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन है वही आप दीजिए ताकि आप अच्छे से यहाँ पे कैलोरी को काउंट कर सको। तो मैं यहाँ पे अलाउ करूंगा, अलाउ अलाउ, और फिर आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा टू एड, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको किस तरह से कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे हम इसे साइड में करते हैं और फोन से हम पहले यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा होगा ऊपर टू ऐड, आपको उस पर टैप करना है और फिर यहाँ पे इसका नाम आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है BSW004, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ पे दूसरे आइकन पे टैप करोगे नीचे वॉच के आइकन पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड और यहाँ पे बैटरी लेवल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे वॉच फेसेस, नोटिफिकेशन, अलार्म, शटर,
फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, अदर्स, अपग्रेड, इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों वॉच में आपको यहाँ पे कुछ इनबिल्ट वॉच फेस मिल जाते हैं जिसे आप एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है वॉच स्क्रीन पे और आप यहाँ पे जो चार इनबिल्ट वॉच फेस है उन्हें आप यहाँ पे कोई भी आप सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉन्ग टैप करना है और स्वाइप करना है इस तरीके से। और अगर आपको और ज्यादा करना है तो आपको यहाँ पे जाना है वॉच फेसेस में, आप यहाँ पे देख सकते हो, और फिर यहाँ पे आपको टैप करना है और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे चार। और जो चौथा होता है वो होता है कस्टमाइजेबल, मतलब आप इसमें अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर एडिट करूंगा और फिर आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी कोई भी पिक्चर, यहाँ पे आपको टैप करना है सिलेक्ट पिक्चर पे और आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे अपनी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लो मुझे अगर ये वाली पिक्चर सिलेक्ट करनी है तो मैं पिक्चर सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको क्रॉप करना है, टिक पे टैप करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो। इतना ही नहीं, आप जो टाइम की पोजिशन है, मतलब टाइम पोजिशन, टाइम कहाँ पे दिखाना है, ऊपर या नीचे, तो आप बिलो नीचे कर सकते हो, टाइम नीचे आ जाएगा। टाइम के ऊपर क्या दिखाना है, टाइम के ऊपर मुझे यहाँ पे जो स्टेप्स है वो दिखाने हैं, और टाइम के नीचे क्या दिखाना है, टाइम के नीचे मुझे डेट दिखानी है। तो इस तरीके से आप ये भी सेटिंग कर सकते हो। जो टेक्स्ट का कलर है आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको यहाँ पे करना है सेव। दोस्तों आप इस वॉच में जो स्ट्रैप है उसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको इसे निकालना हुआ तो आपको यहाँ पे पिन दिखाई देती है, आपको यहाँ पे पिन को एक साइड में खींचना पड़ता है इसको, और फिर बाहर आपको इसे निकालना पड़ता है। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ऊपर में जो होल है उसे अलाइन करना पड़ता है, फिर यहाँ पे इस पिन को ऊपर करना पड़ता है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से डाल देना पड़ता है पिन को। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच फेस यहाँ पे सिंक हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है वॉच में, जो हमने सिलेक्ट की थी वही वॉच फेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से जो चाहिए वो यहाँ पे टिक करके आप वॉच फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको जाना है मोर वॉच फेस में, और यहाँ पे आपको 300 जितने वॉच फेस मिल जाते हैं और आप उन्हें यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मुझे अगर ये करना हो तो मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट, डाउनलोड करूंगा और ये डाउनलोड होगा और आप यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो यहाँ पे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉच फेस आ चुकी है इस तरीके से, एनिमेटेड है ये। और यहाँ पे आपको स्टेप्स और हार्ट रेट और यहाँ पे टाइम, डे और जो कनेक्शन स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे बैक जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन का। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे करना पड़ता है अलाउ, फोन को अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए, मैसेज को भी अलाउ कीजिए, और बाकी जो भी आपको यहाँ पे एक परमिशन अलाउ करनी पड़ती है नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए, आपको यहाँ पे जो दा फिट ऐप है इसे इनेबल करना है, यहाँ पे अलाउ करना है। और आपको जिस किसी ऐप्स की नोटिफिकेशन आपकी वॉच पे रिसीव करना है आपको उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। आप जाओगे अलार्म्स में तो आप यहाँ पे अलार्म सेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे इसे ऑन करना है। टाइम यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कौन से डे पे आपको अलार्म रखना है वो भी आप डे और यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद होता है शटर का ऑप्शन, आपको करना है वाइल यूजिंग द ऐप, और यहाँ पे शटर ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि आप यहीं से फोटोज को कैप्चर कर सकते हो, 3 सेकंड का यहाँ पे टाइमर लगता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो शटर, जो टॉर्च है उसे भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और काफी अजीब सा यहाँ पे साउंड भी आता है शटर का, आप यहाँ पे सुन सकते हो। दोस्तों फिर यहाँ पे होता है अदर्स, अदर्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप फाइंड डिवाइस कर सकते हो। जब आप फाइंड डिवाइस करते हो वाइब्रेट करने लगती है, आप यहाँ पे सुन सकते हो, तो आप कर सकते हो ये फाइंड डिवाइस से। फिर यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आपको 12 आवर रखना है कि 24 आवर, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिट सिस्टम आपको मैट्रिक रखना है ताकि आप जो भी स्टेप्स चल रहे हो वो किलोमीटर या मीटर में आए। दोस्तों फिर होता है यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन, इसमें अगर आप टाइम सेट करते हो, मतलब इस टाइम से लेकर उस टाइम के लिए डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑन रहेगा। इसका मतलब है कि आप कोई भी नोटिफिकेशन इसमें रिसीव नहीं करोगे, कोई भी वाइब्रेशन इसमें नहीं होगा। दोस्तों फिर होता है यहाँ पे रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी मूवमेंट किए इसे बैठे हुए, आइडल बैठे हुए हो, तो आपको यहाँ पे अलर्ट आता है। सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको अलर्ट आते रहेगा 1-1 घंटे के लिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। दोस्तों फिर यहाँ पे होता है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, इसका मतलब है कि आप अगर ऑटो पे रखना चाहते हो हार्ट रेट को, मेजरमेंट को, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, अपने आप हार्ट रेट मेजर होता रहेगा, लेकिन उससे बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे मैनुअली हार्ट के जो आइकन है उस आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे हार्ट रेट, यहाँ पे क्लिक, अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे मेजर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों फिर होता है यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो इस वॉच को। फिर यहाँ पे होता है क्विक व्यू, क्विक व्यू का मतलब होता है कि जैसे आप
अपनी वॉच को, हथेली को उठाओगे तो यहाँ पे स्क्रीन जो होगी ऑन हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको जो जेस्चर है आपको इसे इनेबल करना है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, और ये कितने टाइम के लिए करना है, कौन से टाइम पीरियड के लिए, तो आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे होता है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। अगर आपको ड्रिंक वाटर रिमाइंडर यहाँ पे इनेबल करना हुआ, मतलब स्टार्ट टाइम कितने टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, ड्रिंकिंग टाइम कितना होना चाहिए, कितने बार आप मतलब पानी पीना चाहते हो और कितना इंटरवल होना चाहिए पानी पीने के दौरान, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे होता है वेदर, आप यहाँ पे जो सिस्टम है सेल्सियस या फेरनहाइट उसे सिलेक्ट कर सकते हो, और आप यहाँ पे सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी सिटी आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेदर दिखाई देगा। फिर होता है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। जो फीमेल यूजर्स है वो यहाँ पे अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ अदर सेटिंग्स में। अगर आप बैक जाते हो तो आपको यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसे कर सकते हो वॉच का। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे जाओगे लास्ट में प्रोफाइल में, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में अपनी जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हो, अपना वेट, हाइट, जेंडर वेंडर आपको अगर चेंज करना हुआ। इसके अलावा यहाँ पे गूगल फिट जो है उसे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। गूगल फिट में भी आपका जो डेटा होगा इस ऐप का वो सिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे इस ऐप में मिल जाती है। अब बात करते हैं आपको किस तरह से अपने वॉच को यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए इनेबल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ब्लूटूथ ऑप्शन है उसमें जाना है, ठीक है, आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, और आपको BSW004 दिखाई देगा, आपको उस पे टैप करना है, पेयर करना है, और जहां पे ये ब्लू कलर का आएगा और यहाँ पे लिखा होगा कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, मतलब आप यहाँ पे कॉल्स और ऑडियो के लिए कनेक्ट कर सकते हो वॉच को। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, तो आपको यहाँ से क्विक टॉगल्स में से इसे कनेक्ट करना है। अगर आप यहाँ से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपकी जो वॉच होगी वो कॉलिंग के लिए इनेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप कॉलिंग के लिए इनेबल नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप यहाँ से कनेक्ट करते हो तो आपकी जो बैटरी है कम चलेगी, मतलब जो बाय डिफॉल्ट है 10 दिन की बैटरी होती है इसमें, लेकिन अगर आप यहां से कनेक्ट करते हो मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए तो 5 दिन की बैटरी आपको यहां पे मिलेगी इस वॉच में। दोस्तों जैसे आपने इसे इनेबल कर दिया, तो जैसे आप यहां पे जाओगे मेनू में, यहां पे आपको कॉलिंग का आइकन दिखाई देगा, फोन का आइकन आप यहां पे देख सकते हो। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे रिसेंट कॉल, आप रिसेंट कॉल यहाँ पे देख सकते हो अपने। फिर इसके अलावा यहाँ पे डायल पैड भी देख सकते हो, आप यहाँ पे डायल भी कर सकते हो कोई भी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये से आप कॉल भी कर सकते हो। और यहाँ पे होता है कॉन्टैक्ट, तो आप अपने यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे 8 कॉन्टैक्ट मतलब 8 कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपको कैसे ऐड करना है कॉन्टैक्ट्स को, तो आपको उसी ऐप में जाना है, और आपको यहाँ पे जाना है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में, और यहाँ पे आपको करना है ऐड, और यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको ऐड करने हैं उन्हें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर देता हूँ अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर लिया, आपको यहाँ पे करना है ऊपर में डन, और यहाँ पे करना है डन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉन्टैक्ट्स में तो आपको यहाँ पे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स देखने मिल जाएंगे, आपने जो भी ऐड किए आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों तो आपको यहाँ पे कॉल किस तरह से रिसीव होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अटेंड का ऑप्शन मिलता है और रिजेक्ट का ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे अटेंड करोगे आप यहाँ से वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम कम ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप म्यूट भी कर सकते हो, और यहाँ पे टाइमर भी दिखाई देता है, और आप जो साउंड क्वालिटी है वो भी यहाँ पे सुन सकते हो, स्पीकर आउटपुट। हेलो 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 हेलो। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसे इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट कॉल में कितने कॉल्स आपको आए थे रिसेंटली, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि अब मुझे वॉच पे कॉल रिसीव नहीं करनी है, मैं चाहता हूँ कि फोन पे ही कॉल रिसीव हो, तो आप यहाँ से भी इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में यहाँ पे, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन फोन ऑन का। आप जैसे यहाँ पे फोन पे टैप करोगे ये ऑफ हो जाएगा, मतलब अब जो फोन होगा डिसकनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम नहीं है ब्लूटूथ में, इसका मतलब है कि आप जो अब कॉल रिसीव करोगे अब यहाँ पे फोन पे रिसीव होंगे, वॉच पे कॉल रिसीव नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो वापस मुझे वॉच पे ही कॉल रिसीव करने, तो आपको यहाँ पे टैप करना है, ये ग्रीन बन जाएगा, मतलब अब जो भी कॉल्स आएंगे आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप जो म्यूजिक है उसे भी प्ले कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे म्यूजिक प्लेयर में, यहाँ पे होता है म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन, जैसे आप इस पे प्ले करोगे, अगर आप कोई म्यूजिक प्लेयर ऑन करते हो, मान लो आपने इसे ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये म्यूजिक प्लेयर यहाँ पे प्ले होगा, यहाँ पे प्ले हो रहा है स्पीकर से। आप स्टॉप कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे जो क्विक सेटिंग्स है उसे इनेबल करना हुआ, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। फिर यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई देगा
बी का आइकन होगा ब्लू कलर में, इसका मतलब है कि ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे इनेबल की गई है। और यहाँ पे जैसे आप स्वाइप अप करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन दिखाई देगी। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एक साथ यहाँ पे मैक्सिमम 5 नोटिफिकेशन देख सकते हो। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे स्वाइप राइट करोगे तो आपको यहाँ पे सारे मेनू दिखाई देते हैं, और ये थोड़ा एप्पल वॉच की तरह मिलता जुलता है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे। और जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे करना है एक्सेस, आप यहाँ पे टैप करके एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सरसाइज मोड, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको बैक जाना हुआ तो आप इस तरीके से बैक जा सकते हो, ठीक है, आपको इस तरह से बैक जाना है। फिर यहाँ पे आपको स्वाइप लेफ्ट करने पर स्टेप्स काउंटर होता है, यहाँ पे आप यहाँ पे जो स्लिप डेटा है ये भी चेक कर सकते हो। बीपीएम, हार्ट रेट यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, फिर हार्ट रेट यहाँ पे मेजर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे होता है एक्सरसाइज, तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ऐसे कुछ जो स्पोर्ट्स मोड है उन्हें इनेबल कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे रनिंग का करना हुआ तो मैं यहाँ पे इस पर टैप करूंगा, टाइमर स्टार्ट होगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो रनिंग के लिए जो स्पोर्ट्स मोड है इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पे स्टेप्स कितने चले, कितने किलोमीटर चले हो, कितनी कैलोरी बर्न हुई है, क्या बीपीएम है आपका, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और आप यहाँ पे इसे स्टॉप या पॉज कर सकते हो, आपको जाना है बैक इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो फोन की स्क्रीन है डायलर, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ब्लड प्रेशर भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो, आपको यहाँ पे टैप करना है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे मेजर हो जाता है। इसके बाद SpO2 भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो टैप करके, और वेदर डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और आप यहाँ पे जो 7 दिन के, अगले 7 दिन का जो वेदर फोरकास्ट है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैक्सिमम या मिनिमम। फिर यहाँ पे शटर बटन, जिससे आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। म्यूजिक प्लेयर, बात करेंगे किस तरह से आपको सेटिंग्स में ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे आप जाते हो यहाँ पे सेटिंग्स में, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में होता है स्टॉप वॉच, आप यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू कर सकते हो इस तरीके से। फिर यहाँ पे होता है अलार्म, आप यहाँ पे अलार्म ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते लेकिन केवल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जो भी आपको अलार्म ऐड करना हो आप यहाँ पे ऐप में ऐड कर सकते हो। और आपको यहाँ पे पता चलता है कितने टाइम का और कितने दिन के लिए जो अलार्म में सेट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे होता है काउंटडाउन, काउंटडाउन भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, 1 मिनट का, 3 मिनट्स का, या फिर 1 आवर, 2 आवर, इस तरीके से। फिर यहाँ पे होता है ब्राइटनेस का ऑप्शन, आप यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो 1 to 5 स्केल में। फिर यहाँ पे कॉल रिसेट का ऑप्शन, जो भी कॉलिंग की डिटेल होगी रिसेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे शेक ऑन, वाइब्रेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। थिएटर मोड, जैसे मैंने आपको बताया जो ब्राइटनेस होगी कम हो जाती है और वाइब्रेशन ऑफ हो जाता है थिएटर मोड से। फिर यहाँ पे आप रिसेट कर सकते हो वॉच को, पावर ऑफ भी कर सकते हो। दोस्तों आप देखते हैं अगर आपको वही नोटिफिकेशन आती है अपनी वॉच पे तो किस तरह से आती है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का अगर कोई मैसेज आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है स्क्रीन ऑन होती नहीं है, स्क्रीन ऑन होती नहीं है मैसेज आने पर, आपको वाइब्रेट फील होता है लेकिन स्क्रीन ऑन होती नहीं है। आपको फिर यहाँ पे मैनुअली प्रेस करके देखना पड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको यहाँ पे स्वाइप अप करना है, इस तरीके से आपको मिल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट 5 है, 5 नोटिफिकेशन वो देखने मिल जाती है। और यहाँ पे आप इन्हें डिटेल में भी चेक कर सकते हो टैप करके इस तरीके से। और दोस्तों इन सभी को आपको क्लियर करना हुआ तो आप यहाँ पे नीचे जाकर क्लियर कॉल कर सकते हो, सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दोस्तों मान लो आपको कॉल आता है, और कॉल आने पर अगर आप अपने वॉच में कॉल को रिसीव करते हो आप यहाँ पे देखोगे, और मान लो कुछ कारण से यहाँ पे जो है आपको जो साउंड है नहीं सुनाई दे रही है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आप जो कॉल है उसे स्विच कर सकते हो फोन पे। तो अगर आपको वॉच में रिसीव नहीं करना है, आप फोन से सुनना चाहते हो अपने कॉल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी का आइकन दिखाई देगा। तो इस बी के आइकन पे आपको यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे अब फोन पे हो जाएगा रिसीव। आप यहाँ पे देख सकते हो फोन पे अब रिसीव हो चुका है। अगर आप वापस ब्लूटूथ पे करना चाहते हो, ब्लूटूथ पे आप यहाँ पे कर सकते हो, वॉच में वापस यहाँ पे कॉल आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन से, और फिर अच्छे से यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल भी मिलता है, आप म्यूजिक भी यहाँ पे सुन सकते हो। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है कॉलिंग फंक्शन जो है इसका काफी बढ़िया है, स्पीकर आउटपुट काफी अच्छा है, माइक इनपुट भी काफी अच्छा है। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।